नमस्कार, मैं राजीव कुमार कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। आज मैं चीकू के प्लांट को रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, क्योंकि एक ये ऐसी मिट्टी में लगा हुआ है जिसमें बारिश का पानी बहुत इकट्ठा हो जाता है और मेरा एक पौधा चीकू का मर चुका है बारिश के पानी में। इसलिए मैं आज इस पौधे को इस मिट्टी से रिपोर्ट करके इसकी पोरस मिट्टी में लगाऊंगा जिसमें पानी ना रुके, और ऐसी मिट्टी बनाऊंगा जिसमें पानी रात दिन बरसे मगर इस पौधे में पानी रुके नहीं। ये देखिए, मैंने दो तसले इसमें खाद डाल दी है और एक डब्बा भर के मैं इसमें ये नीम की खली डालूंगा, और इसमें दो तसले मैं धान की भूसी मिलाऊंगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूं कि ये एक डब्बा स्टोन डस्ट पाउडर है। ये स्टोन डस्ट पाउडर क्या होता है, जो मार्बल जो होता है उस मार्बल का ये पिसा हुआ पाउडर होता है। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, इसको भी मैं इसमें मिला दूंगा, जिससे साल भर मेरे पौधे को कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जो कैल्शियम की कमी होने से फल जो है ना में सड़न पैदा हो जाती, वो कभी भी नहीं होगा। और ये देखिए, मैंने डाल दिया। इसके बाद में ये राख है, ये राख पोटास का सोर्स होती है, और ये आप कंडे की भी ले सकते हैं, मगर मैंने तो लकड़ी की राख ली है। ये लकड़ी की राख सबसे अच्छी होती है। ये देखिए, मैंने इसमें लकड़ी की राख भी डाल दी, और इसको सबको ऐसे मिला लेना। इसमें अब देखिए, इसमें धान की भूसी, पंखा बंद कर लो, इसमें धान की भूसी देखिए, इस तरह से धान की भूसी मिला ली। दो तसले धान की भूसी इसमें मिलाई जाएगी। ये देखिए, इस तरह मैंने धान की भूसी, अभी दो तसले इसमें धान की भूसी मिलाई जाएगी, और ये मिट्टी बनने के लिए तैयार है। बस इसको मिला के ये इतनी पोरस मिट्टी बनेगी कि इसमें कितना भी पानी कुछ भी इसमें हम डाल देंगे मगर ये मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी रहेगी, इसमें पानी नहीं खड़ा होगा। और ये इस तरह से मिट्टी को मिला ली जाएगी। मैं इसमें अभी आपको मिला के दिखाता हूँ। इस तरह से थोड़ा मिट्टी ज़्यादा है, मैं इसलिए फड़ुए से कोशिश करूँगा कि फड़ुए से मिट्टी को मिला दूँ। अभी एक तसला धान की भूसी फड़ुआ देना। इस तरह से मैं इसको अभी फड़ुए से मिला लूँगा। ऊपर नीचे कर दूंगा और ये मिट्टी बनके तैयार हो जाएगी। इसको मैं दो तीन बार पलट दूंगा। ये मिट्टी बनके तैयार हो गई। अब हम इसको इस तरह से, ये जो पौधा है इसकी मिट्टी छुड़ा लेंगे, केवल इसमें रूट रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी, केवल इतनी मिट्टी रखी इसमें। देखिए कितनी जो है ना इसकी रूट, देखिए। अब मैं इसको इसी तरह इसमें रख के और इसको इस गमले में, फिर उसी गमले में ट्रांसफ़र करूँगा। देखिए, ये मिट्टी पोरस बन गई है। इसमें देखिए, मैं इस गमले में इसको ट्रांसफ़र करूँगा। इसमें पहले थोड़ी मिट्टी डाल लेता हूँ। धान की भूसी ज़रूर मिलाएं,
पोरस मिट्टी बनाने के लिए इसके अंदर जितनी मिट्टी उतनी खाद, धान की भूसी दो भाग, एक भाग नीम की खली, स्टोन डस्ट पाउडर और राख, ये ज़रूर मिलाएं। आप देखिए, ये मैं इसको निकाल लेता हूँ और इसको यहाँ पे रखता हूँ बीचों बीच सेंटर में। रखने के बाद में मैं इसमें अब ये इतनी पोरस मिट्टी बनी हुई है कि इसमें जो है ना पानी कभी नहीं रुकेगा, रात दिन पानी बरसे मगर इसके ऊपर पानी रुकेगा नहीं। और ये पेड़ पानी नहीं रुकेगा तो ये पेड़ मरेगा नहीं। ये देखिए मेरे दोस्तों, इस तरह से अगर आप रिपोर्ट करेंगे कोई पौधा तो मरेगा नहीं। ये देखिए रिपोर्ट हो गया और इसको अब मैं पानी दे दूँगा। भरपूर पानी दे देना है इसको, पूरी मिट्टी गीली गीली कर देनी है। और इसको दो दिन के लिए मैं इसको छाया में रख दूंगा। दो दिन बाद ही मैं इसको धूप में निकालूंगा और इसको छाया में रख देना है। देखा ये 2 मिनट बाद, ये देखिए ये पानी मैंने अभी डाला है और देखिए पानी किस तरह से गायब हो रहा है। ये अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और सारा पानी देखिए गायब हो रहा है। ये देखिए इस तरह से मिट्टी बनानी है कि पानी इसके अंदर रुकना नहीं चाहिए। अगर पानी रुक गया तो पौधा आपका मर जाएगा। ये मेरा 1 साल का पौधा है और देखिए पानी गायब हो गया, ये पानी एकदम से गायब हो गया। इस तरह से मिट्टी बनानी है। अगर आप देख रहे हैं तो देखिए इसमें पानी नहीं रुका, ये पानी बिल्कुल गायब हो गया। अब मैं इसको छाया में रखूँगा। नमस्कार, मैं राजीव कुमार कानपुर से किचन गार्डनिंग चैनल पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। नमस्कार।